हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था एक्सीडेंट के बारे में, हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में बोला था कि मैं अगले पार्ट को पढ़ाऊंगी। तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो एक दो बच्चे ने आंसर्स कमेंट किए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मेरी जिम्मेदारी कि मैं वो आंसर्स बताऊं कि वो आंसर्स क्या थे। तो मैंने आपको क्या बोला था कि कौन सा औजार एक हमारा कटिंग औजार है, एक हमारा कटिंग टूल है। मैंने आपको ऑप्शन दिए थे, हैक्सो ब्लेड, स्टील रूल, स्क्राइबर एंड हथौड़ा। तो इसका आंसर क्या निकलेगा? इसका आंसर आएगा हैक्सो ब्लेड। मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था कि लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि हमारा जो कटिंग टूल क्या होता है, हमारी कटिंग टूल होती है, क्या होती है? एक कटिंग टूल होती है, वो काटने के काम में आती है। दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि कौन सा फिटर रेल इंजन यानी कि ट्रेन के पार्ट्स को जोड़ता है, तो कौन जोड़ता है? लोकोमोटिव फिटर। लोकोमोटिव फिटर एक ऐसा फिटर है जो ट्रेन के पार्ट्स को जोड़ता है। तीसरा हमारा क्वेश्चन जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्या था वो क्वेश्चन? कि कौन सा फीटर 75% हाथों के द्वारा और 25% मशीनों के द्वारा काम करता है, तो कौन सा फीटर काम करता है? बेंच फीटर, जैसे कि आप। तो ये मेरे तीन क्वेश्चन थे, इन तीनों को मैंने आंसर बता दिया कि इन तीनों का आंसर क्या है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था एक्सीडेंट, एक्सीडेंट क्या है और एक्सीडेंट के कारण क्या है, हम लोगों ने ये जाना था। और मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप एक्सीडेंट जान जाते हो तो सेफ्टी को जानना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो बात करते हैं सेफ्टी के बारे में कि सेफ्टी क्या है। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? सेफ्टी, जैसे कि आप देख सकते हो। तो सेफ्टी क्या है भाई? तो सेफ्टी का डेफिनेशन आपको पूछा जाए कि सेफ्टी का डेफिनेशन क्या है, तब क्या बताओगे, क्या बताओगे? तो सेफ्टी का मीनिंग होता है सुरक्षा। सेफ्टी का हिंदी का मीनिंग क्या होता है? सुरक्षा, यानी कि दुर्घटना से स्वयं को सुरक्षित रखना। अब ये बोलोगे तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इसकी डेफिनेशन ये होगी कि दुर्घटनाओं से स्वयं को सुरक्षित रखना और अन्य सहकर्मियों को बचाना। जो वर्कर आपके साथ काम कर रहे हैं, वर्कशॉप में काम कर रहे हैं या फिर अपनी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो जो आपके साथ काम कर रहे हो उसको भी बचाना हमारा क्या है? सेफ्टी है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? कि दुर्घटना से स्वयं को सुरक्षित रखना और अन्य सहकर्मियों को बचाना सुरक्षा कहलाती है। तो क्या कि सेफ्टी तो हमारा ये हो गया, सेफ्टी डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। क्या बताया सेफ्टी डेफिनेशन? कि दुर्घटना से स्वयं को सुरक्षित रखना और अन्य सहकर्मियों को बचाना क्या कहलाता है? सुरक्षा कहलाता है। तो बात होगी सुरक्षा की। अब बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। सेफ्टी जो हमारी होती है वो तीन टाइप्स की होती है, यानी कि सेफ्टी के जो प्रकार होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहले बात कीजिए सेल्फ सेफ्टी, जनरल सेफ्टी, सेफ्टी ऑफ मशीन, यानी कि स्वयं की सुरक्षा यानी कि खुद की सुरक्षा, साधारण सुरक्षा और मशीन की सुरक्षा। ये तीन टाइप की हमारी सेफ्टी होती है। तो बात करते हैं पहले सेफ्टी के बारे में, जो कि है हमारी सेल्फ सेफ्टी। सेल्फ सेफ्टी क्या है हमारी? तो अगर आप देखोगे कि अगर आप सुरक्षित रहते हो, सेल्फ सेफ्टी पहले पॉइंट इसलिए आती है क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहते हो, हम पहले मैं खुद को सुरक्षित रखूंगी तभी मैं किसी को बचा पाऊंगी, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि अगर मैं खुद ही दुर्घटनाग्रस्त हूं, मैं खुद ही किसी चीज से पीड़ित हूं, तो मैं किसी और को नहीं बचा पाऊंगी। इसलिए सेल्फ सेफ्टी क्या है? पहले पॉइंट में आती है, यानी कि खुद को सुरक्षित रखोगे तो आप अपने किसी दूसरे लोगों की मदद कर सकते हो। सेल्फ सेफ्टी मीन्स क्या होता है? कि अगर आप सुरक्षित हो तो आप अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हो,
किसी दूसरे लोगों की मदद कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स की मदद कर सकते हो और देश की प्रगति के लिए अपना योगदान भी दे सकते हो। इसलिए सेल्फ सेफ्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, यानी सेल्फ सेफ्टी यानी खुद की सुरक्षा, स्वयं की सुरक्षा। सेल्फ सेफ्टी में कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसके बारे में आप सेल्फ सेफ्टी के बारे में अच्छे से जान जाओगे कि सेल्फ सेफ्टी क्या है हमारी। तो बात करते हैं पहले पॉइंट्स के बारे में। मशीन पर काम करते समय कभी भी ढीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि अगर आप ढीले कपड़े पहनकर मशीन पर काम करोगे तो मशीन में क्या आपके कपड़े फंस सकते हैं, उसमें जा सकते हैं, जिससे क्या है कि दुर्घटना का कारण हो सकता है। इसलिए क्या है कि आप मशीन पर काम करते समय कभी भी ढीले कपड़े का इस्तेमाल ना करें, ढीले कपड़े ना पहने। दूसरा क्या है हमारा, वर्कशॉप में कभी भी नंगे पांव नहीं घूमने चाहिए। क्यों नहीं घूमने चाहिए, कोई कारण तो होगा। कारण है हमारा क्योंकि वर्कशॉप में क्या होते हैं ना, तार क्या होते हैं, इधर उधर बिखरे होते हैं। अगर आप तार को अपने पैर से दबा दो या फिर उसके टच में आ जाओ तो आप उससे एक्सीडेंट का कारण बन सकता है, आप उसमें दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। इसलिए वर्कशॉप में काम करते समय हमेशा मोटे सोल वाले जूते का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि आपके पैर को कोई नुकसान ना हो, क्या हो, पैर को कोई नुकसान ना हो। तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि हमारा है, चलती मशीन को कभी भी हाथ से नहीं रोकना चाहिए। कोई मशीन चल रही हो तो कभी भी ओवर स्मार्ट की वजह से कभी उस मशीन को हाथ से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस मशीन को हाथ से रोकते हो तो बाय चांस आपके हाथों को या आपको कोई नुकसान हो सकता है। बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में, मशीन पर जो है कभी भी आप काम करते हो तो उस समय टाई, मफलर, अंगूठी, कड़ा, ये सब चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अधिकतर बच्चे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस्तेमाल करने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन आप जब काम करते हो, वर्कशॉप में काम करते हो तो ये सब चीज का इस्तेमाल ना करो, क्योंकि अगर आपने गले में मफलर डाला हो और आप काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो आपका मफलर जो है ना उसमें उस मशीन में फंस सकता है और आप दुर्घटना का बहुत बड़ा शिकार बन सकते हो और एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए क्या है कि आप अगर काम कर रहे हो मशीन में, उस टाइम कोई भी किसी भी तरह की मफलर, अंगूठी, कड़ा, ये सब चीज का इस्तेमाल ना करें। ये सब आप खुद में भी फॉलो करोगे जब आप काम करोगे, तो बात को ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। जब क्या है कि आप किसी मशीन पर काम कर रहे हो तो क्या है, उस टाइम आप किसी तरह कोई मजाक ना करो, किसी तरह की कोई फालतू बातें ना करो किसी और से। उस टाइम आप सीरियस सिर्फ मशीन पर ध्यान दो और किसी फालतू बातें पर ध्यान ना दो। इसलिए ना दो क्योंकि मान लो आप मशीन पर काम कर रहे हो और आपने किसी कोई और बात पर बात छेड़ दी है, तो क्या है आपका जो ध्यान है ना वहां से हट जाएगा, मशीन से ध्यान आपका हट जाएगा और आपका ध्यान उस बातें पर, उस बात जो बात कर रहे हो उस बात पर चली जाएगी। इसलिए क्या है कि कोई भी काम करते समय, आप मशीन पर काम करते समय किसी तरह की हंसी मजाक फालतू बातें ना करें। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। आपने देखा होगा वेल्डिंग जब आप करते हो या फिर कोई और करता है वेल्डिंग शॉप में, या फिर सोल्डरिंग जो करता है, वो क्या कि जब सोल्डरिंग करते वक्त ना आपको चश्मा लगा लेता है। क्यों लगा लेता है चश्मा, कोई कारण तो होगा ना। कारण है क्योंकि उससे जो किरणें निकलती है, चिंगारी निकलती है वेल्डिंग करते समय, तो आंखों तक ना पहुंचे, आंखों को उसकी वजह से कोई इफेक्ट ना पड़े, कोई प्रभाव ना पड़े। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, जब वेल्डिंग करते हैं तो हम लोग आंखों पर अच्छी तरह के चश्मे डाल लेते हैं, गॉगल्स डाल लेते हैं, क्योंकि आंखों में कोई खराब इफेक्ट ना पड़े, कोई गलत प्रभाव ना पड़े। तो ये क्या कुछ पॉइंट्स है जो कि हमारे क्या बताता है, सेल्फ सेफ्टी के बारे में बताता है कि सेल्फ सेफ्टी क्या है। सेल्फ सेफ्टी बहुत ही जरूरी होती है, हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए, हर पर्सन को अपनाना चाहिए। तो ये बात होगी सेल्फ सेफ्टी के बारे में कि सेल्फ सेफ्टी क्या है। और भी पॉइंट्स हैं वो
वो आप सिंपल पॉइंट्स हैं, खुद पढ़ के समझ सकते हो कि क्या पॉइंट्स हैं। बात करते हैं अगले पॉइंट्स के बारे में, जो कि क्या है हमारा जनरल सेफ्टी, यानी कि साधारण सुरक्षा। क्या है? साधारण सुरक्षा। तो साधारण सुरक्षा को समझने के लिए आप कुछ पॉइंट्स को समझ जाओ। उस पॉइंट से क्या है कि आप जनरल सेफ्टी को यानी कि साधारण सुरक्षा को आसानी समझ दोगे। बात करती हूँ पहले फर्स्ट पॉइंट के बारे में। क्या है सबसे मेन पॉइंट? वर्कशॉप में क्या है, किसी भी तरह का कोई धूम्रपान यानी स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। स्मोकिंग तो है कि स्मोकिंग किसी को नहीं करनी चाहिए, लेकिन बाइक से अगर स्मोकिंग कोई करता हो तो वो वर्कशॉप में स्मोकिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप सिगरेट के कोई भी टुकड़े इधर उधर फेंक गए तो दुर्घटना का शिकार ले सकती है, दुर्घटना कारण बन सकती है। इसलिए वर्कशॉप में क्या है कि आप स्मोकिंग ना करो। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जो कि है हमारा कार्यशाला में किसी भी तरह का ज्वलनशील पदार्थ उचित स्थान पर रखना चाहिए। जाहिर सी बात है, आप वर्कशॉप में कोई ज्वलनशील पदार्थ है, कोई जलने वाला पदार्थ है, जिसमें अगर थोड़ी सी चिंगारी आ जाए तो विस्फोट हो सकती है, वो फट सकती है। तो इसलिए उस तरह के मटेरियल को, उस तरह के पदार्थ को किसी दूसरे स्थान पर अच्छे से रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। क्योंकि अगर उसमें एक छोटी सी चिंगारी भी चली जाए ना तो एक बड़ा विस्फोट हो सकती है। इसलिए क्या है कि कार्यशाला में किसी भी तरह की ज्वलनशील पदार्थ उचित स्थान पर यानी कि सुरक्षित स्थान पर रखने चाहिए। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। क्या है हमारा वर्कशॉप में जो हमारा फर्श होता है, जो हमारा जमीन होता है, उसको साफ सुथरा रखना चाहिए। उसको साफ सुथरा रखना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का तेल यानी कि ऑयल ग्रीस नहीं गिरे होने चाहिए। क्योंकि अगर तेल यानी ऑयल ग्रीस फर्श में गिरे रहेंगे और अगर आप उसमें चल दोगे तो आप उसमें स्लिप हो सकते हो और आपको वो नुकसान दे सकता है। इसलिए क्या है कि अब फर्श क्या है, हमें साफ सुथरा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का तेल ग्रीस नहीं गिरे होने चाहिए। अगला पॉइंट क्या है हमारा, क्या है कि हमारा जो वर्कशॉप होता है ना, उसमें हमेशा अग्निशामक यंत्र जो होता है, फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, बाय चांस इतनी सावधानी रखने के बाद भी किसी तरह कोई आग लग जाती है, किसी वजह से आग लग जाती है, तब हर टाइम अग्निशामक यंत्र यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसको हमेशा रिप्रेजेंट में रखना चाहिए। क्योंकि अगर आग लग भी जाए तो उसे तुरंत सावधानी पूर्वक बुझा देना चाहिए। इसलिए वर्कशॉप में हमेशा अग्निशामक यंत्र का उपलब्ध होना चाहिए। और क्या है अगला पॉइंट? देखो अगर आप कुछ काम करते हो वर्कशॉप में तो क्या है, कोई हैवी वर्क करते हो, कुछ ज्यादा हार्ड वर्क करते हो, तो उस टाइम पे आपको हेलमेट अपने इस्तेमाल किया होगा बाइक चलाते वक्त। तो उस टाइम क्या है, वर्कशॉप में कुछ हैवी वर्क करते समय आपको हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए। हेलमेट का एक टोपी होती है हमारी, उस चीज का इस्तेमाल, उस हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए कि मान लो अगर कोई भारी चीज यानी कि हैवी ऑब्जेक्ट अगर आपके सिर में गिर जाए तो आप उससे दुर्घटनाग्रस्त नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपके हेड पर टोपी था, और टोपी होता है, जो हेलमेट होता है, बहुत ही हैवी होता है और वो आपको आपके हेड को प्रोटेक्ट करता है, आपके हेड को सुरक्षित रखता है। तो ये क्या है कि अगर आप कोई हैवी वर्क करते हो वर्कशॉप में तो हमेशा हेलमेट का उपयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हेलमेट का उपयोग करना चाहिए। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। क्या है, कटिंग टूल को मेजरिंग टूल से यानी कि काटने वाले औजार को मापने वाले औजार से अलग रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? मान लो आपको कुछ और टूल इस्तेमाल करना था, आपने कर दिया कोई और टूल इस्तेमाल। इसलिए क्या है कि कटिंग टूल को हमेशा मापन टूल से यानी मेजरिंग टूल से अलग रखना चाहिए। आप जानते हो कटिंग टूल क्या होता है, मेजरिंग टूल क्या होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। कटिंग टूल क्या होता है, हैक्सो ब्लेड, चीजल, क्या हमारा कटिंग टूल है। मेजरिंग टूल क्या होता है, हमारा
औजार से अलग रखना चाहिए। तो ये क्या हो गए, कुछ पॉइंट्स हो गए जनरल सेफ्टी के बारे में कि जनरल सेफ्टी क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में जो कि हमारा है सेफ्टी ऑफ मशीन, यानी कि मशीन की सुरक्षा। जो मशीन की सुरक्षा होती है बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि एक कारीगर के लिए, एक मैकेनिक के लिए उसका मशीन उसकी निजी संपत्ति होती है, क्योंकि वो उस मशीन के माध्यम से, उस मशीन के मीडियम से अपने परिवार का पालन पोषण करता है। इसलिए क्या है, एक मशीन की रखरखाव, उसकी मरम्मत, उसकी देखभाल एक मैकेनिक की जिम्मेदारी होती है, एक वर्कर की जिम्मेदारी होती है, कारीगर की जिम्मेदारी होती है उस मशीन को कैसे रखे। इसलिए क्या है कि एक मैकेनिक की, एक वर्कर की जिम्मेदारी होती है कि मशीन को कैसे रखे, उसको उस मशीन की मरम्मत के लिए, देखभाल के लिए, रखरखाव के लिए ध्यान देना चाहिए। तो बात करते हैं सेफ्टी मशीन की। ये तो सेफ्टी मशीन मैंने बता दिया कुछ पॉइंट्स है जिससे आप और अच्छे से जान जाओगे सेफ्टी मशीन है क्या। बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में, क्या है कि आप कोई भी मशीन इस्तेमाल करने से पहले और इस्तेमाल करने के बाद उस मशीन को साफ कर देना चाहिए। जैसे कि मैंने कुछ काम स्टार्ट किया, मुझे कुछ काम करना मशीन पर, तो पहले मैं क्या करूंगी, उस मशीन को साफ करूंगी किसी साफ कपड़े से, उस मशीन को पोछूंगी। पोछने के बाद मैं उस मशीन को, उस अपना काम उस मशीन पर कर लूंगी, और काम करने के बाद जब मेरा काम खत्म हो चुका है तब मैं उस मशीन को फिर से पोछ के रख दूंगी। क्यों करूंगी ऐसा मैं, क्योंकि इस तरह करने से क्या है कि मशीन की जो कैपेसिटी है वो आगे तक चलती है, वो ज्यादा दिन तक चलती है, वो हमारी खराब नहीं होती इस तरह। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में जो कि क्या है हमारा कि चलती मशीन पर, कोई मशीन चल रही हो, वो ऑन हो, अपना काम कर रही हो, तो उस टाइम किसी तरह की कोई तेल यानी कि ऑयल, ग्रीस उस पर नहीं डालने चाहिए। और बताओ ना, तेल ग्रीस क्यों डालते हैं मशीन पर? सिंपल सी बात है कि कोई मशीन फ्रीली अच्छी तरह से काम करे, उसमें जंक ना लगे, इसलिए वो तेल ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं मशीन के ऊपर। क्या है कि ना, क्योंकि अगर आप उसमें मशीन पर तेल का इस्तेमाल नहीं करोगे, उसमें तेल नहीं डालोगे, तो क्या मशीन पर जंग लग सकती है, हमारा फ्रीली काम नहीं करेगा, रुक रुक कर काम करेगा, इसलिए उस टाइम लोग क्या करते हैं, उस तेल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या है कि तेल का इस्तेमाल करने में कोई मना ही नहीं, लेकिन चलती मशीन पर तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चलती मशीन पर तेल का उस पर डालना नहीं चाहिए। तो बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, क्या है कि कोई मशीन चल रही हो, वो घूम रही हो, वो ऑन हो, तो उस मशीन को हाथ से कभी भी रोकना नहीं चाहिए, कभी भी उसको हाथ से रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप उस तरह करते हो तो आप क्या है दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हो, एक्सीडेंट का कारण बन सकते हो। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, क्या है कि अगर आप अपने जॉब के अकॉर्डिंग, जॉब क्या है हमारा, आपका वर्क है, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, जॉब कहते हैं। जॉब को क्या है कि आप कुछ काम करते हैं जॉब पर, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी स्पीड रखनी चाहिए। अगर मान लो आपका जॉब सिंपल जॉब हो, ज्यादा हार्ड जॉब ना हो, तो आपको भी क्या है मशीन की स्पीड कम रखनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी जॉब सिंपल हो और आपकी स्पीड करती हाई ज्यादा, तो क्या है एक दुर्घटना कारक हो सकता है, मशीन खराब हो सकती है। इसलिए क्या है कि आप अपने जॉब के अकॉर्डिंग उस मशीन की स्पीड रखो, उसकी कितनी स्पीड रखो, ये हमारा सेफ होता है मशीन को सुरक्षित रखने का एक तरीका होता है। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, क्या है कि मशीन को चलाने से पहले क्या चेक कर लेना चाहिए कि मशीन अगर चल रही है या नहीं चल रही है, कि इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है। मान लो मैंने कोई मशीन ऑन की और मैंने स्विच ऑन कर दिया, अब मशीन चल ही नहीं रही है, मशीन हमारी रुकी हुई है, तो ये गलत है। क्या है कि अगर कोई मशीन का लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसको ऑफ की सिचुएशन में, बंद होने की सिचुएशन में आप उसको पहले हाथ से चला के देख लो, ऑन की सिचुएशन में नहीं, ऑफ की सिचुएशन में जब मशीन बंद हो तब उसको हाथ से चला के देख लो मशीन चल रही हो, उसके बाद आप उसको ऑन करो। ये क्या है हमारा एक सेफ तरीका है, सुरक्षित तरीका है काम करने का।
ये सब जो बातें खुद में फॉलो करोगे, क्योंकि ये सब फॉलो करना बहुत जरूरी हो गया आपके लिए भी और सभी के लिए भी। तो क्या कि कुछ बहुत बहुत से पॉइंट्स हैं समझने के लिए, जानने के लिए, बहुत सिंपल है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है बुक पर, आप पढ़ सकते हो, जान सकते हो कि क्या है। तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में बताया क्या है सेफ्टी, और भी बहुत पॉइंट्स हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि मशीन पर कार्य करते समय किसी तरह की मजाक, हंसी, छीना झपटी ना करो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। तो ये भी क्या है, सेफ तरीका है मशीन पर काम करने का। तो क्या मैंने आपको बताया आज सेफ्टी का डेफिनेशन, यानी कि उसकी परिभाषा मैंने आपको बताया। क्या है उसकी परिभाषा? दुर्घटना से स्वयं को सुरक्षित रखना और अन्य सहकर्मियों को बचाना क्या है, हमारी सुरक्षा कहलाती है। सुरक्षा क्या होती है? सुरक्षा में 3 टाइप्स की होती है, सेल्फ सेफ्टी, खुद की सुरक्षा, स्वयं की सुरक्षा, जनरल सेफ्टी, साधारण सुरक्षा, और सेफ्टी ऑफ मशीन, यानी कि मशीन की सुरक्षा। तो ये मैंने 3 टाइप्स आपको बता दूँ कि 3 टाइप्स हमारे क्या क्या है, ये 3 टाइप्स हमारे हो चुके हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, अगले लेवल के बारे में। क्या है हमारा सेफ्टी प्रिपरेशंस बाय यूजिंग हैंड टूल। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई हैंड टूल का इस्तेमाल करते हो तो उस टाइम हैंड टूल का यूज करते समय, उसका उपयोग करते समय क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी पड़ेगी, क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेगी। तो बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में। पहले पॉइंट के बारे में क्या है कि मान लो मैंने कोई हैमर दिया यूज करने के लिए, हैमर यानी कि हथौड़ा, हथौड़े को इंग्लिश में हैमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैमर कहा जाता है। मान लो मैंने कोई हैमर लिया उसको किसी चीज को ठोकने के लिए, पीटने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को, मैं कोई ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, कोई जॉब बना रही हूँ, अब मैंने हैमर का इस्तेमाल, हैमर का यूज मिल गया। अब मान लो हैमर क्या होता है, एक हमारा लोहे का पार्ट होता है, एक हमारा लकड़ी का पार्ट होता है। लकड़ी का पार्ट क्या होता है? हैंडल होता है, और लोहे का पार्ट क्या होता है? ठोकने काम में आता है, उसका जो एक फेस जो होता है वो ठोकने काम में आता है। तो हैंडल को क्या है, हैंडल मान लो उसमें अगर अच्छे से फिट ना रहे, उसमें अगर लूज फिट रहे किसी उस आयरन वाले पार्ट में, तो क्या हैमरिंग करते वक्त, ठोकते वक्त क्या है हमारा वो पार्ट हमारा अलग हो जाएगा उस हैंडल से। तो ये गलत है। अगर आप किसी चीज का इस्तेमाल करते हो तो आप प्रॉपर तरह से इस्तेमाल करो। मान लो आपने हैमर का इस्तेमाल किया, तो हैमर क्या है मेरा, एक हमारा हेल्पिंग टूल है। क्या है हमारा? हेल्पिंग टूल है, वो तो किसी चीज को ठोकने में, पीटने के काम में आता है, किसी ऑब्जेक्ट को बनाते समय। तो हैमर को हिंदी में क्या बोलते हैं? हथौड़ा बोलते हैं, जिसे आपने घर पर यूज किया होगा, हैमर के बारे में जाना होगा। तो इसीलिए कोई भी टूल इस्तेमाल करते समय क्या है हमारा, वो टूल प्रॉपर होना चाहिए, उसमें किसी तरह कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मान लो मैंने हैमर का इस्तेमाल किया है, तो हैमर क्या है हमारा, उसका हैंडल उस आयरन वाले पार्ट पर, उस लोहे वाले पार्ट पर अच्छे से फिट होना चाहिए, उसमें किसी तरह कोई इफेक्ट, गलत इफेक्ट ना नहीं होना चाहिए। तो ये बात होगी फर्स्ट पॉइंट की। मान लो आपने चीजल का इस्तेमाल किया, ठीक है, चीजल क्या है, एक हमारा कटिंग टूल है। तो उस चीजल क्या है, चीजल का जो प्रॉपर होना चाहिए, उसमें किसी तरह कोई गलत इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मान लो उसकी कोई गलत हैंडल लगा हो, लूज हैंडल लगा हो, जो हैंडल हम पकड़ते हैं लगा हो, तो गलत है। इसलिए कोई भी टूल इस्तेमाल करने से पहले उसको पूरा सेफ होना चाहिए, उसमें किसी तरह कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। मान लो आपने, मैंने बताया था किसके बारे में, हैक्सो ब्लेड के बारे में। हैक्सो ब्लेड हमारा कैसा था? कुछ इस टाइप में हमारा हैक्सो ब्लेड था, ये हमारा नॉर्मल ये नट है हमारा, और इस टाइप में हमारा हैक्सो ब्लेड था। मैंने क्या बोला, ये हमारा ब्लेड है, ये हमारा फ्रेम है, और ये हमारा हैंडल है। मैं यहां लिख देती हूँ हैंडल, ये क्या है हमारा ब्लेड, और ये क्या है हमारा फ्रेम। तो मान लो ये हमारे क्या है, एक हमारा कटिंग टूल है। तो कटिंग टूल है, इसका नाम क्या है हमारा, हैक्सो ब्लेड। क्या है? हैक्सो,
मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था हेक्सोब्लेड के बारे में, फिर मैं बता दे रही हूँ हेक्सोब्लेड है। तो हेक्सोब्लेड में क्या होता है, ये हमारा हेक्सोब्लेड है, ये हमारा हो गया ब्लेड, ये हो गया हमारी फेक, ये हमारी हो गई हैंड की। तो ब्लेड जो इसमें ब्लेड जो फिट है वो टाइटली फिट होना चाहिए, ये नहीं कि इसमें ब्लेड जो फिट हो लूज फिट है, ये गलत है। तो ब्लेड हमारा होता है इसमें टाइटली यानी कि अच्छे तरह से मजबूती तरह से फिक्स होना चाहिए। तो ये बात होगी हेक्सोब्लेड की, ये क्या हमारा ब्लेड है, फ्रेम है, हैंडल है, और पूरा क्या हमारा हेक्सोब्लेड का। तो हेक्सोब्लेड में हमारा जो ब्लेड है वो टाइटली फिट होना चाहिए। तो ऐसा बहुत से पॉइंट है जिसके बारे में आप जिस जो आपके बुक में लिखा है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, कोई हैवी लैंग्वेज नहीं है, कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है कि आप जान नहीं पाओगे समझ नहीं पाओगे। तो क्या है कि कोई भी टूल इस्तेमाल करने से पहले क्या है आपको उस टूल के बारे में जानना है, उस टूल को यूज करते समय इस्तेमाल करते समय आपको कई तरह की सुरक्षा सावधानियां बरतनी पड़ेगी, तभी आप उसका उस काम को प्रॉपर तरह से कर पाओगे, अच्छे तरह से कर पाओगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने जाना सेफ्टी। सेफ्टी क्या है, सेफ्टी के डेफिनेशन के बारे में जाना। क्या है सेफ्टी का डेफिनेशन, दुर्घटनाओं से स्वयं को सुरक्षित रखना और अन्य सहकर्मियों को बचाना क्या हमारी सुरक्षा कहलाती है। फिर हमने जाना क्या जाना टाइप्स ऑफ सेफ्टी के बारे में, क्या है टाइप्स ऑफ सेफ्टी, सेल्फ सेफ्टी खुद की सुरक्षा, जनरल सेफ्टी साधारण सुरक्षा, सेफ्टी ऑफ मशीन यानी कि मशीन की सुरक्षा। फिर हमने क्या जाना सेफ्टी प्रिकॉशंस बाय यूजिंग हैंड टूल, मतलब कि अगर आप कोई टूल का इस्तेमाल करते हो, हैंड टूल का इस्तेमाल करते हो तो उसको यूज करते समय इस्तेमाल करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेगी। तो हमने आज ये जाना, ठीक है। अब आज तो मैंने ये आपको बता दिया सेफ्टी के बारे में, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अगले लेवल के बारे में जानूंगी, अगले पॉइंट के बारे में जानोगे आप कि अगला पॉइंट क्या है। तो अगर आप घर पर हो अच्छे से रहना, और पॉइंट्स जो मैंने लिखवाए हैं जो मैंने आपको बताया है उसको जरूर एक बार रिवाइज करना, क्योंकि रिवाइज करने से आपकी जो नॉलेज है और बढ़ेगी और आप जानोगे उसके बारे में, क्योंकि मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स नहीं बताया है क्योंकि वो सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप उसको आसानी से जान जाओगे, उसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं कि आप जान नहीं पाओगे, कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है। तो आप उस पॉइंट को जरूर पढ़ना, उस पॉइंट के बारे में जरूर जानना कि पॉइंट क्या है। अगले क्लास में आपको बताऊंगी मैं सेफ्टी के साइन, कि सेफ्टी क्या क्या साइन होते हैं, कितने टाइप के साइन होते हैं, उसका मतलब क्या होता है, उसका सिंबल कैसा होता है, उसका चिन्ह कैसा होता है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।